नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। सो आज इसकी लॉन्चिंग हुई है और आज ही मैं आपके लिए इस वीडियो बना रहा हूँ इसका। सबसे पहले आप अलॉय व्हील देख सकते हैं, इसका वाई शेप में अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं और फ्रंट टायर की अगर साइज़ की बात मैं करूँ तो 19 इंच का टायर दिया हुआ है और रियर टायर इसका 17 इंच का दिया हुआ है। दैन आगे से आप लोग देख सकते हैं हज़ार्ड लाइट्स वगैरह सब कुछ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहले से ही। LED DRLs दी हुई है पूरी इसमें आगे की तरफ हेडलाइट में। सिल्वर कलर के फिनिश में इसमें मिरर्स दिए हुए हैं, ये काफ़ी सही है। सिल्वर फिनिश में इसमें ब्रेक वगैरह दिए हुए हैं, ब्रेक लीवर्स वगैरह। रॉयल एनफील्ड की कुछ इस तरह से ब्रांडिंग की गई है और कुछ इस तरह से इसमें सीट दी हुई है। पीछे सपोर्ट भी दिया हुआ है बैक रेस्ट, रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर ब्रांडिंग की दी हुई है पीछे ब्रेक रेस्ट पर। और हज़ार्ड लाइट, दैन पीछे की टेल लाइट। अगर रियर डिस्क की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो रियर डिस्क इसमें 270 mm की डिस्क दी हुई है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। और फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूं तो 300 mm की इसमें फ्रंट डिस्क दी हुई है ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ में। चलिए कुछ और इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर इसके इंजन सीसी की बात करें तो 349 cc का इसमें इंजन रहने वाला है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन लेने वाला है इसमें। एयर ऑयल कूल्ड है ये, खाली एयर कूल्ड नहीं है, एयर ऑयल कूल्ड दिया हुआ है इसमें। और डिज़ाइन कुछ इस तरह से इसमें दी हुई है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें दोस्तों तो 15 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और डिजिटल मीटर वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ट्रिपर नेविगेशन मीटर भी दिया हुआ है साथ में इसमें, जो कि बिल्ट विद गूगल के साथ में बिल्ट किया हुआ है और टाइम वगैरह सब कुछ शो होता है उसमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर दिया हुआ बीच में की तरफ। और ये इसका सेल्फ का कुछ इस तरह का दिया हुआ है, एक बार ऑन करेंगे तो EFI, एक बार और थोड़ा सा दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देन नीचे से बात करते हैं तो ये हज़ार्ड लाइट स्विच है इसके नीचे ही, जस्ट इसको जैसे ही ऑन करते हैं हज़ार्ड लाइट इसमें ऑन हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। देन ये पास वगैरह का स्विच भी इसमें, थोड़े चेंजेस किए हुए हैं, इंडिकेटर स्विच वगैरह ऑन, पास लाइट, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। और चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है ताकि अपनी गाड़ी आराम से चार्ज कर सकते हैं अपन। एक ये आई बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से ये सेट होता है पूरा कि ट्रिप ए, ट्रिप बी या ट्रिप एफ़, आपको कौन सी ट्रिप चाहिए। तो ट्रिप एफ़ तो रिज़र्व में आती है, वो चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली गाड़ी में, कि रिज़र्व के बाद में कितनी ट्रिप एफ़ में चली किलोमीटर में, टोटल किलोमीटर शो करेगी आपको रिज़र्व में आने के बाद में, तो वो रहती है अपनी ट्रिप एफ़। मॉडल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अगर इसके कलर वगैरह की बात करें अपन तो अगर जो आप ये कलर देख पा रहे हैं वो है सुपरनोवा मॉडल है ये, जो कि दो कलर में आती है, ब्राउन एंड ब्लू। तो आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह सब कुछ दिख रहा है जैसे कि आपको। पेडल्स कुछ इस तरह के दिए हुए हैं थोड़ा आगे की तरफ और थोड़ी एवेंजर टाइप में गाड़ी कर दी गई है। कंफर्टेबल काफ़ी है गाड़ी, सेटिंग पोजिशन वगैरह, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। साउंड वगैरह आपको सब सुनी लिया आपने, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। पेडल पर पूरी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग कर दी गई है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और वाइब्रेशन एकदम ख़त्म कर दिए गए हैं, वाइब्रेशन नहीं है इसमें। अब 3 ईयर की आपको वारंटी आ रही है यहाँ पर मीटियोर 350 इसमें लिखा हुआ है। कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है सीट्स में। देन इसके और भी मॉडल्स की बात करते हैं। एक इसमें स्टेलर मॉडल आता है जिसमें 3 कलर ऑप्शन आते हैं, स्टेलर ब्लू, स्टेलर रेड और स्टेलर ब्लैक। एक फायरबॉल मॉडल आता है जिसमें 2 कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, फायरबॉल येल्लो और फायरबॉल रेड। ये सारे ऑप्शन आपको इसमें 3 मॉडल मिलते हैं, उसमें भी कलर उस हिसाब से रहते हैं और टोटल अपन को 7 कलर ऑप्शन इसमें मिलते हैं। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें दोस्तों तो 12 वोल्ट की इसमें बैटरी दी गई है, 8 एम्पियर वाली। तो ये सारी चीज़ रही। और फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हुए हैं फ्रंट, 41 mm जो कि फॉक के साथ में दिए हुए हैं और 130 mm ट्रेवल करते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें दोस्तों तो ट्यून ट्यूब इमोशन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड दिया हुआ है इसमें। तो कुछ और भी बात कर लेते हैं इसकी। 27 Nm का टॉर्क मिल रहा है आपको गाड़ी में और 20.2 BHP की इसमें आपको पावर मिल रही है। देन अगर इसके फोर सर्विस की बात करें तो सर्विस इसमें आपको 4 फ्री सर्विस मिल रही हैं। और बात करते हैं इसके नेविगेशन वगैरह की, तो नेविगेशन आप लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, OTP वगैरह से कनेक्ट हो जाएगा ये आराम से। आपको रॉयल एनफील्ड की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये आराम से कनेक्ट हो जाएगा, ताकि अपन को ये पूरा एरो वगैरह शो करेगा कि जैसे ही अपना टर्न वगैरह आएगा तो कितने मीटर पे शो होएगा, कितना मीटर बचा हुआ है, किस तरफ मुड़ना है, अपन को पूरा शो करेगा उसमें। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इको गियर सिस्टम भी है इसमें, एक
जो कि डिजिटल मीटर में इसमें लिखा हुआ है। और इको गियर का मतलब है, अगर जैसे अपन परफेक्ट गियर शिफ्टिंग करते हैं तो वो दिखाएगा अपन को कि इको गियर में है ये गाड़ी। तो इस हिसाब से अपन को मालूम पड़ेगा कि परफेक्ट शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसको ईजी क्रूज़र के नाम से रॉयल एनफील्ड की तरफ से जाना गया है, तो ईजी क्रूज़र के नाम से इसको जाना जा रहा है और नाम दे रही है रॉयल एनफील्ड इसको। देन अगर इसकी बुकिंग वगैरह भी करनी हो आपको, तो ये पूरी नॉर्मली सब कुछ चेंज हो चुका है इसमें, मैकेटी और ऐप्स वगैरह जो है इस पर जाकर बुकिंग होती हैं इसकी, और आप इसमें आराम से बुक करा सकते हैं या टेस्ट ड्राइव इसको आराम से इसको सेट कर सकते हैं जब भी आपको टेस्ट ड्राइव लेनी हो। और आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना हो, कॉन्फ़िगरेशन करनी हो नई गाड़ी को, तो वो भी आप कर सकते हैं और इस हिसाब से भी बुकिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी गाड़ी वहाँ से बन करके आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है रॉयल एनफील्ड ने। सो यही था आज के इस वीडियो में दोस्तों, जो कि आपने पूरी गाड़ी देख ही ली है, काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया गाड़ी कर दी गई है, कम्फर्ट वाइज काफ़ी अच्छी है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। और इसका ड्राइव वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।